हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तमन्ना ब्यूटी टिप्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसकी हेल्प से आप अपने बालों को, अगर आपके बालों की ग्रोथ जो है रुक गई है, आप उसको दोबारा से रीग्रो कर सकते हो। अगर आपके हेयर पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, ख़ारिश होती है आपको बहुत ज़्यादा, उसको रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपके हेयर पे जख्म से हो जाते हैं ना, जैसे हम बड़ी इचिंग करते हैं, जख्म हो जाते हैं, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम है आपके हेयर की, वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 21 दिन का जो लॉकडाउन है वो हमारे इंडिया में हुआ है, तो इससे मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ। दोस्तों, आपने बस इसको वीक में वन टाइम ही यूज़ करना है। बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसकी हेल्प से अगर आपके बाल जो हैं टूटते हैं, झड़ते हैं, अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो इससे वो रिड्यूस हो जाएगी और आपके जो हेयर हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और सिल्की शाइनी हो जाएंगे। दोस्तों, तो चलो दोस्तों देख लेते हैं इस होम रेमेडी को कैसे बनाना है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, तमन्ना ब्यूटी टिप्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों देख लेते हैं इस होम रेमेडी को कैसे बनाना है। तो चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मेहंदी, यानी कि हिना। दोस्तों, आप कोई भी हर्बल मेहंदी यूज़ कर सकते हो जो कि 100% हर्बल हो। मैं यहाँ पर VLCC की मेहंदी यूज़ कर रही हूँ। तो दोस्तों, एक चम्मच हम लेंगे रीठा पाउडर का। दोस्तों, रीठा पाउडर जो होता है वो हमारे हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर हमारे हेयर पे बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाए हमारे हेयर पे, या सिकड़ी हो जाए, इचिंग होने लग जाए, तो इसको क्योर करता है, इसको ठीक करने में हेल्प करता है। और साथ ही में एक चम्मच हम लेंगे शिकाकाई पाउडर का। इन और साथ ही में हम एक या दो चम्मच लेंगे कर्ड का, और पानी मिक्स करके हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और हाँ दोस्तों, इस मेहंदी को आपने रात में भिगोना है और मॉर्निंग को आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगी आपको इसके क्या गुण होते हैं। दोस्तों, जो हमने कल मेहंदी भिगोई थी वो अभी मैं अपने हेयर पे अप्लाई करूंगी, और मैंने ग्लव्स डाल दिए हैं क्योंकि मेरे नेल्स लंबे हुए हैं, इसलिए मैंने ग्लव्स डाल दिए। अदरवाइज मैं ग्लव्स में नहीं डालती, मुझे अच्छी लगती है अगर मैं मेहंदी अप्लाई करती हूँ, मेरे हैंड पर लग जाती है। तो दोस्तों, मैंने इस पर जो मेहंदी थी कल भिगो ली थी अपनी, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो मेहंदी क्या करती है, हमारे हेयर फॉल को रोकती है, और साथ ही में हमने जो इसमें प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो दोमुंह बालों को आने से रोकती है, और साथ ही में हेयर फॉल को कंट्रोल करती है। अगर हमारे हेयर जो है होते हैं वो वाइट हो रहे हैं, उसको ग्रे, जो ग्रे हेयर होते हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और साथ ही में दोस्तों, जो हमारे हेयर की ग्रोथ रुक जाती है, तो जैसे रुक गई है तो हेयर नहीं लंबे हो रहे, तो इसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो अभी हम इसको अपने हेयर पे अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ हेयर पे अप्लाई कर। तो दोस्तों, आपने अपने हेयर पे जैसे आप ऑयलिंग करते हो वैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो मेहंदी को, हेयर मास्क को अपने हेयर पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है गर्मी आ गई है, तो मास्क अप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठंडी होती है, इसलिए मास्क भी अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, इसमें मैं बता दूं, मैंने जो मेहंदी यूज़ किया है उसके आप, अगर आपके हेयर जो हैं हेयर फॉल होता हो वो रिड्यूस हो जाएगा, और साथ ही मैं रीठा यूज़ किया है। रीठा बहुत ही बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, शिकाकाई यूज़ किया, शिकाकाई से आपके जो हेयर होते हैं वो लंबे होने स्टार्ट हो जाते हैं, और साथ ही मैं तीनों चीज़ें मिक्स की हैं, इससे आपके जो हेयर हैं सिल्की शाइनी होने लग जाएंगे। प्लीज़ दोस्तों, आप इसको यूज जरूर यूज़ कीजिएगा, और साथ ही में कमेंट करके बताइएगा आपको ये होम रेमेडी कैसी लगी। दोस्तों, अप्लाई कर ली, आप देख सकते हैं इस मेहंदी को हमने कम से कम 2 घंटे के लिए लगा रहने देना है। आप देखिएगा कि आपकी जो मेहंदी है ना वो एकदम से सूखनी नहीं चाहिए, मतलब एकदम से ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर आपके एकदम से, अगर आपके जो पैक आप यूज़ करते हो वो ड्राई हो जाता है, तो आपके बाल भी ड्राई हो जाते हैं। आप 80% तक आप सुखा सकते हो, 20% नहीं सुखा सकते, क्योंकि आपके बाल जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। 80% जब सूख जाएगी तब आप अपना हेयर वॉश कर लीजिएगा। दोस्तों, उसके बाद आपके हेयर पे बहुत ज़्यादा शाइनिंग आएगी, बहुत ज़्यादा आपके हेयर जो हैं अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, तो मैं अभी आपको मिलती हूँ आफ्टर माई हेयर वॉश। मैं 2 घंटे तक अपना हेयर वॉश है वो कर लूँगी, तब तक
तो दोस्तों अगर आप इस होम रेमेडी को रेगुलर बेसिस पे 1 वीक में चाहे आप इसको एक बार यूज़ करोगे तो आप देखोगे आपके जो हेयर है ना बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे और आपके जो हेयर हैं बहुत ज़्यादा अगर झड़ते हैं वो कम हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और हाँ दोस्तों वीडियो मेरी थोड़ी सी पसंद आए वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।